और हम लोग अपना थोड़ा ऑयल बटर जो भी आप लोग यूज करना चाहो वो यूज करके डाल के सबसे पहले ये ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, कढ़ाई हम लोगों ने पहले गर्म कर दी थी, तो इसके अंदर हम लोग अब जीरा डाल देंगे। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं फ्राइड राइस, जो कि हमारे राइस है ना उसको मैंने पहले ही बॉईल करके रख रखा है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अगर आप घर से जिंजर और गार्लिक लेना तो वो भी ले सकते हो और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ले सकते हो, ठीक है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट को थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से हिलाएंगे थोड़ा सा कि उसको सेक लग जाए। और फिर इसके बाद हम लोग सबसे पहले जो अपना प्याज है वो डालेंगे। एक बड़े साइज का टमाटर और एक बड़े साइज का प्याज लिया मैंने, दोनों को डाल दिया। इसके अंदर आप लोग कोई भी सब्जी ले सकते हो, जैसे मैंने प्याज टमाटर शिमला मिर्च पत्ता गोभी फ्रेंच बीन्स हरी मिर्ची बस ये लिया और पनीर। आप लोग जो आप चाहो सब्जी वो ले सकते हो और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ाओ और कम कर सकते हो अपने जो आपको टेस्ट के अकॉर्डिंगली। के साथ में अपनी फ्रेंच बीन्स हरी मिर्ची शिमला मिर्च पत्ता गोभी सब डाल दूंगी अभी मैं इसमें। और इसको हम लोगों ने ना थोड़ा हाई फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि ये चाइनीज है ना, तो चाइनीज जो है हमारा हमेशा हाई फ्लेम पे ही पकता है। आप देख सकते हो इसका गैस का फ्लेम जो है हाई है। इसी के साथ मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूंगी, क्योंकि हम लोग इसके अंदर सॉसेज ऐड करेंगे, सॉसेज के अंदर ऑलरेडी नमक जो है होता है और हमारी सब्जियां जो है थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो इसके अंदर मैं हाफ टेबल स्पून जितनी सोया सॉस डालूंगी। थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस, इसी के साथ थोड़ी सी टमाटो केचप और थोड़ी सी अपनी सेजवान चटनी जो है वो यूज करेंगे एक चम्मच जितनी, सबको करेंगे। और बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर मैं अपना विनेगर डाला है और इसी के अंदर थोड़ी सी अपन काली मिर्ची डाल लेंगे, क्योंकि सॉसेस ग्रीन चिली सॉस और ये सेजवान चटनी थोड़ी तीखी होती है। और थोड़ी सी मैं इसके अंदर लाल मिर्ची डालूंगी, बिल्कुल थोड़ी सी। अब बस थोड़े से सॉफ्ट और हो जाए सब्जी और फिर हम लोग अपने चावल जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसी के अंदर जो हमने रोस्ट किया था ना पनीर, वो मैंने अभी इसके अंदर डाल दिया है। वो मैंने वैसे तो मैं छोटा इसकी क्लिप लगा दूंगी कि किस तरीके से रोस्ट किया, अगर आप अच्छे तरीके से देखना चाहते हो तो मेरी वेज पुलाव वाली वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी। और ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। ये हमारी सारी सब्जियां जो है ना सॉफ्ट भी हो गई और पक भी गई हैं, और इसी के अंदर हम लोग अपने जो बॉइल्ड राइस है वो डाल देंगे। अच्छे से इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे और ये हमारे फ्राइड राइस जो है बिल्कुल रेडी है। तो ये हमारे फ्राइड राइस जो है बिल्कुल रेडी है, चाइनीज फ्राइड राइस। यार कितने टेस्टी लग रहे हैं ना। और अगर आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करके फ्राइड राइस घर पे ट्राई किए तो मेरे को ज़रूर बताना कि कैसे बने आपके, कैसे टर्न आउट हुए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो वेरी मच। और
बेल आइकन को जरूर प्रेस करना सो दैट आने वाली टेस्टी टेस्टी रेसिपीज के आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं, स्टे होम स्टे सेफ। पनीर को हम लोग इस तरीके से रोस्ट कर सकते हैं, हल्का हल्का घी लगा के और इसके ऐसे धीरे धीरे टाइम टू टाइम इसकी साइड चेंज करते रहो, ठीक है।